दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले उत्तराधिकारी को लेकर बीजेपी में अंदरूनी खींचतान जारी, कहा मोदी ने शाह को पीएम बनाने के लिए बाकी नेताओं को किया साइडलाइन। केजरीवाल का आरोप, बोले मुझे जेल में किया गया, प्रताड़ित सेल में लगे थे सीसीटीवी कैमरे, पीएमओ द्वारा की जा रही थी निगरानी। बिहार के बक्सर में बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, ईवीएम के साथ ना हो छेड़छाड़ और निष्पक्ष हो चुनाव, अगर ऐसा हुआ तो नहीं चलेगी बीजेपी की गारंटी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा पीएम के बार बार झूठ बोलने से धूमिल होती है देश की छवि, बोले पीएम की हार का समय नजदीक। प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव का वार, बोले अपने हर जिलाध्यक्ष को सैलरी देते हैं प्रशांत, पता नहीं कहां से आते हैं इतने पैसे, बीजेपी भी नहीं रखती है अपने जिलाध्यक्ष को सैलरी पर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आई खबर, 24 लाख नकद के साथ बीजेपी नेता प्रशांत खेरा को पुलिस ने पकड़ा, चुनाव प्रभावित करने की थी कोशिश, कल छठे चरण में बंगाल में होने वाली है वोटिंग। बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी का बयान, कहा बीजेपी जीती तो संविधान को करेगी खात्म, देश को बचाने के लिए सभी जाति बिरादरी को होना चाहिए एकजुट। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा पीएम के बिहार आने से कोई फायदा नहीं, फोटो और झंडे में सीमित होकर रह जाएंगे पीएम मोदी। काफिले की गाड़ियों की तलाशी लिए जाने का मामला, वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय, बोले मुझे तलाशी से शिकायत नहीं, कहा अगर मेरी तलाशी ली गई तो पीएम की भी गाड़ी और हेलीकॉप्टर की तलाशी हो। उड़ीसा विधानसभा के तीसरे चरण का मतदान कल, 42 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बोले देश में बेरोजगारी चरम पर, इसलिए बोला तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। कुशीनगर में बोले सीएम योगी, कहा कोरोना काल में विदेश भागे दोनों शहजादे, पीएम मोदी डटकर खड़े रहे देश के साथ। कल गोरखपुर में रहेंगी प्रियंका गांधी, काजल निषाद के समर्थन में करेंगी प्रचार, वाराणसी में भी कल प्रियंका करेंगी प्रचार, अजय राय के समर्थन में करेंगी रोड शो। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बयान, बोली 24 के साथ 25 की भी कर रहे हैं तैयारी, अगले साल बिहार में बनेगी सरकार हमारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हताश है पीएम मोदी, 4 जून को नए पीएम लेंगे शपथ।